नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूँ और यह गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज है। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हिंदुस्तान 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है ताकि हम सब कोरोना के इस महामारी से जंग जीत जाएं। और यह तभी सफल होगा जब हम सब अपने घरों में रहेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर न निकलेंगे और देश में तमाम संस्थाएं, तमाम लोग मानवता की ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं जिसको देखने के बाद मन से दिल से दुआ निकल रहा है। तो वहीं जब हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में स्माइल रोटी बैंक की टीम पर दिन 1200 लोगों को भोजन करवा रही है अपने कृष्ण भोग भोजन बैंक के माध्यम से। और वहीं आप सबको बताते चले कि गोरखपुर के एडीएम वित्त ने औचक निरीक्षण किया जिसमें स्माइल रोटी बैंक कृष्ण भोग भोजन बैंक का खाना चखा और एडीएम साहब खुद इस खाने की तारीफ करने लगे। तो कहीं ना कहीं स्माइल रोटी बैंक के पूरी टीम का यह एक सराहनीय योगदान है। इस संकट की घड़ी में उन गरीब मजबूर लोगों के साथ ये टीम खड़ी है और पर दिन 1200 लोगों को भोजन करवा रही है। इस संस्था के अध्यक्ष आजाद पांडे हैं। टीम गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज स्माइल रोटी बैंक के सभी सिपाहियों को सैल्यूट करता है।